अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है यार। आज की स्टूडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं भाई गरीबों के आईफोन 12 प्रो मैक्स को, यानी हम ओले के एक फ़ोन है भाई जो कि पूरे आईफोन की कॉपी है, जिसका मॉडल नंबर है ओले CC2। तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और इस फ़ोन की प्राइस भी काफ़ी कम हो गई है अब, और मैं आप लोगों को बताऊँगा इस फ़ोन के बॉक्स में आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो अगर आप पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हो तो यार लाइक कर दो इस वीडियो को, दोस्तों के साथ शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर देना भाई के चैनल को। आपको भाई इस तरीके से मस्त मस्त कंटेंट लाता रहेगा आप लोगों के लिए, और एम करते हैं भाई इस वीडियो पे 100 लाइक हो जाएगी भाई, तो जाके यार बस वीडियो एंजॉय करो जाओ। तो यार ये कुछ आपको ओले CC2 का बॉक्स देखने को मिल जाता है इस तरीके का। हम फटाफट से फ़ोन के बैक पे देख लेते हैं, तो बैक वाले छाप आपको लिखा हुआ मिल जाता है 3200 mAh बैटरी है इस फोन में, 8 MP का बैक कैमरा, 5 MP का फ्रंट कैमरा, फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है इस फोन में, और एक 6.1 इंच की HD डिस्प्ले भी इस फोन में आपको देखने को मिल जाती है। तो हम आप खोल लेते हैं फटाफट से बॉक्स को, और फर्दर इन द बॉक्स आपको ऊपर फ़ोन मिल जाता है जो कि कुछ इस तरीके का डिज़ाइन है इस फ़ोन का, आप देख सकते हो। अपन फ्रंट से ये प्रोडक्ट रिमूव कर लेते हैं, और भाई रिमूव हो चुका है, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की डिस्प्ले है, 6.1 इंचेस की एक 720p वाली डिस्प्ले। अब हम देख लेते हैं भाई फर्दर इन द बॉक्स, बॉक्स में हमें क्या देखने को मिल जाता है, क्योंकि इस फ़ोन की जो बैटरी है वो अलग से आती है, तो हमें अलग से डालनी पड़ेगी इस फ़ोन बैटरी। और यार इसके अंदर आपको एक 1 Ah पावर ब्रिक मिल जाती है, इसके अलावा एक डेटा केबल मिल जाती है, और हैंड फ्रीज भी देखने को मिल जाती है जो कि काफ़ी टिपिकल सी है। अब यह है भाई इसकी फ़ोन की बैटरी जो कि 3200 mAh की बैटरी है, उसको हम फ़ोन में डालते हैं, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं बॉक्स में क्या है। तो यार ये कुछ आपको इस तरीके का एक सिलिकन पाउच देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी डिसेंट क्वालिटी का है, और बॉक्स के अंदर आपको भाई एक स्क्रीन प्रोटेक्टर भी देखने को मिल जाता है जो कि ग्लास वाला स्क्रीन प्रोटेक्टर है, तो ये बारे में मुझे भाई काफ़ी डिसेंट लगी है। और इसके अलावा आपको एक बॉक्स में यूज़र मैनुअल देखने को मिल जाता है, और एक वारंटी कार्ड देखने को मिल जाता है इस फ़ोन का। तो अब हम देखते हैं भाई इस फ़ोन को टर्न ऑन करते देखते क्या है इस फ़ोन की डिस्प्ले है। इसके अलावा इस फ़ोन का आप लोगों को मैंने कलर नहीं बताया, तो यार बेसिकली इस फ़ोन में जो आपको कलर देखने को मिलता है वो मिलता है स्पेस ग्रे, तो स्पेस ग्रे कलर आपको देखने को मिल जाता है। और अब आप देख सकते हैं फ़ोन फटाफट से ऑन हो रहा है, बैटरी हमने इसमें डाल ली है, और बाकी ये फ़ोन डुअल सिम के साथ आता है। और अगर हम बात कर लेते हैं इस फ़ोन की रैम और रोम की, तो इसके अंदर आपको 2GB रैम 16GB स्टोरेज देखने को मिल जाती है। और अगर हम बात कर लेते हैं ना इस फ़ोन की प्राइस की, तो वो है भाई 9800 रुपये, और इसमें अब इसकी प्राइस जो है कम हो चुकी है, तो भाई हमारा जो फ़ोन है वो भी टर्न ऑन हो चुका है। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की डिस्प्ले है इस फ़ोन में जो कि काफ़ी डिसेंट लग रही है, और बैक वाली साइड जो है वो प्लास्टिक की है, और इसके अलावा ये काफ़ी ज़्यादा आईफोन 11 प्रो मैक्स से मिलती जुलती भी है। और मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूँ कि जो फ़ोन है PTA अप्रूव ऑफिशियली, तो जी हाँ ये बात भी है। अब हम चाहते हैं भाई इस फ़ोन की सेटिंग में, और देख लेते हैं एंड्रॉयड वर्जन कौन सा इसमें आपको देखने को मिल जाता है। तो भैया ये है इसमें भाई एंड्रॉयड 9 देखने को मिल जाता है, क्योंकि मुझे भाई काफ़ी एक डिसेंट बात लगी है इस फ़ोन में आपको एंड्रॉयड 9 देखने को मिल जाता है, और इसकी जो UI है वो काफ़ी क्लीन UI है। और लेकिन इस फ़ोन की अगर हम बात करते हैं प्रोसेसर की, तो हमें नहीं बताया गया भाई कौन सा प्रोसेसर है, कोई MediaTek वाला प्रोसेसर होगा आई गेस। और अगर आप इस फ़ोन को भाई एक परफॉर्मेंस वाइज से लेना चाह रहे हो ना, आपको गेम वगैरह खेलनी है, तो ये फ़ोन आपके बिल्कुल भी नहीं बना हुआ। फिंगरप्रिंट मिल जाता है इस फ़ोन में, इसके अलावा इस फ़ोन का जो रियल कैमरा है वो एक ही काम करता है, सही 8 MP का जो क्या है। बाकी ये फ़ोन यार आप लोगों को मैं रिकमेंड तो नहीं कर सकता, ये तो वैसे भी इनिशियली इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग थी, बाकी इसके ऊपर एक वीडियो आप लोगों के पास आने वाली है ओले फ़ोन की ब्रांड के रिलेटेड। तो बस यार फिलहाल तो इतना था इस वीडियो के लिए, मिलते किसी अगली वीडियो में इसी अपने बन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।